और वो सब्सिडी और लेवी लगने के बाद 17% टैक्स लगेगा, ये उन्होंने वादा किया था। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मैं अभी से आपको कह रहा हूं, मैं ये बात जानता हूं कि बहुत महंगाई हो गई है और पेट्रोल और डीजल अगर और महंगा होगा तो मजीद महंगाई होगी। मैं जा रहा हूं IMF में, मैं उधर से उनसे बात करूंगा एक मरतबा फिर, और इंशाल्लाह ताला हम कोई इसका हल निकालेंगे। मैं आवाम के ऊपर बोझ डालने के मैं हूं या ना हूं, मेरा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इस पर वो नहीं है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने तो रेकमेंड भी किया था लेकिन कि आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त आवाम के ऊपर हम बोझ डालने के, आवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम IMF से जाके बात करते हैं और हम इसका कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात बतानी जरूरी है कि इस जगह पे कि एक तरफ आप IMF को वादा करके गए कि यहां पे प्राइसेस लेकर आएंगे और एक तरफ आपने यहां प्राइस रखी हुई है, ये जगह पे इमरान खान हमको लेकर आए हैं। एक तरफ आप 125 अरब रुपया महीने का नुकसान कर रहे हैं जो कि सिविलियन हुकूमत चलाने के 3 गुना ज्यादा खर्चा है, और डेफिसिट जो है वो आप 1300 अरब रुपया छोड़ के गए 25 का वादा करके, और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर पॉलिटिकल तनकीद कर रहे हैं कि हम प्राइस बढ़ाएं तो भी गलत बार है और नहीं बढ़ाएं तो भी कसूर बार है। तो ये जगह भी इमरान खान हमको छोड़ के गए। मगर एक आदमी जो कि हुकूमत से निकाला गया है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो रोज नई बात करता है। अभी पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हुई। मैं उधर नहीं जाता हूं, मैं वापस मीशत पे आ जाता हूं। हालांकि मैं दिल तो बहुत होता है कि उन चीजों का जवाब दिए आदमी, लेकिन बहरहाल तो कर्ज की मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको बताया कि टैक्स कम कर दिया। खर्चे की बात कर लेते हैं। एक पैसे का खर्चा खान साहब ने कम नहीं किया। खान साहब कहते थे कि शाही खर्च है नवाज शरीफ का। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि शाही खर्च था नवाज शरीफ का, तो फिर आपका खर्चा तो कम होना चाहिए था ना, आप तो आम आदमी थे। चलो मैं 93-99 करोड़ रुपए जो उन्होंने पेट्रोल पर डाला दिया हेलीकॉप्टर के, वो भी माफ कर दिया कि हेलीकॉप्टर में बैठने की आदत थी, चलो कोई बात नहीं, हमने वो माफ कर दिया। अभी KP का हुकूमत पे घूम रहे हैं, पहले वफाकी हुकूमत के हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, वो हमने माफ कर दिया।